सो वेलकम बैक गाइस, यूट्यूब चैनल शर्मा क्रिएशन। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो इंट्रो एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं उसका सबसे पहले आप लोग प्रीव्यू देख लीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने इंट्रो देख लिया होगा और यार आशा करता हूँ आप सभी को इंट्रो पसंद भी आया होगा। सो गाइस, जस्ट वैसा ही सेम टू सेम इंट्रो आप भी क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वैसा का वैसा सेम इंट्रो क्रिएट करने के लिए आपके पास दो एप्लीकेशंस का होना ज़रूरी है। एक तो आपके पास पिक्सल लैब का होना ज़रूरी है दोस्तों, और तो दूसरी एप्लीकेशन है वो है काइन मास्टर। सो गाइस, सबसे पहले हमें पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है यहाँ पर। एंड सिंपली गाइस, आपको यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर डबल क्लिक करना है वहाँ पर, और आपको यहाँ पर आप अपना नाम या अपने चैनल का नाम डाल सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ मैं। सो कुछ गाइस, इस टाइप से हमारे चैनल का नाम यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ पर डन कर दिया है। एंड यहाँ पर आपको ऊपर दो टी के ऑप्शन दिख रहे हैं, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एंड सिंपली ओके कर दीजिए। सो गाइस, इतना करने वाला आपको करने के यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर ए का निशान दिख रहा है नीचे साइड में, यहाँ पर आपको देख सकते हो ए का निशान आपको दिख रहा है, इस वाले ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एंड सिंपली गाइस हमें यहाँ पर करना है इसको ऊपर स्क्रॉल कीजिए। एंड यहाँ पर आपको इसके फॉन्ट में जाना है, फॉन्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना गाइस नीचे ही, और स्क्रॉल कीजिए इसको। एंड गाइस, यहाँ पर जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा इस टाइप से है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मैं फॉन्ट यूज किया है कुछ इस टाइप से है फॉन्ट है, और इसको हम यहाँ से इस टाइप से कुछ इसको अलग करेंगे। एंड यहाँ पर जो हमारा इसका साइज है वो साइज कुछ यहाँ पर छोटा करते हैं। जी हाँ, जहाँ पर इसका जो साइज है कुछ हम इसका साइज इस टाइप से करते हैं। एंड अगर हमें करना है इसके बाद सिंपली हमें इसको टिक कर देना है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे बॉक्स का बॉक्स के पास अगर लास्ट लास्ट में आपको अगर देखिए बॉक्स दो बॉक्स अगर क्लिक कीजिए। एंड अगर अगर आपको करना है सिंपली यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर देना है। एंड अगर हमें दोबारा से दोबारा इस पर क्लिक कीजिए, एंड अगर आपको इसके अंदर कलर डालना है ब्लैक कलर, सो अगर ब्लैक कलर यहाँ पर डाल देता हूँ तो कुछ इस टाइप से हमारा जो जो ये टेक्स्ट प्रिंट हुआ है, सो अगर आप भी अपना टेक्स्ट प्रिंट कर लेना यहाँ पर हमें अभी कर लेना है। सिंपली इसे टिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो गैलरी में सेव हो चुकी है। तो सिंपली हमें करना क्या है, सिंपली हमें अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। लगाइए, इतना करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर 16:9 वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सिंपली हमें एक बैकग्राउंड चूज करना है। यहाँ पर जो बैकग्राउंड मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ वो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड चूज कर लिया यहाँ पर। एंड इसकी जो लेंथ है कुछ यहाँ पर 10 सेकंड तक यहाँ पर इसकी लेंथ कर दीजिए एंड सिंपली बैक आ जाइए। मैंने कहा आगे क्या करना, सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको हैंड राइटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एंड सिंपली हमें यहाँ पर एक ड्रॉ कर देना है। कुछ इस टाइप से आपको भी अपने यहाँ पर वीडियो के अंदर ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पर सिंपली टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इतना करने वाला आपको टिक कर दीजिए। अगर जो इसको इसकी लेंथ जो है बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग कर लीजिए,
वो अपने गोल सेट कर लिए। सुरेंद्र का सारा कुछ स्टेशन सेट कर देता है। मैं जितना करने में प्रयास कर रहा था सिंपली उसको मेरे बच्चे को जाना करने बाद यहाँ पर हमको लेयर वाले ऑप्शन फिर से जाना है। एंड यहाँ पर गाइस एक हमने इंट्रो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, वो वाला इंट्रो हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो सिंपली जो इंट्रो था वो यहाँ पर मैंने यूज़ करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से इंट्रो है। सो इसका कुछ साइज़ है इस टाइप से बड़ा करेंगे हम, एंड यहाँ पर इसको साइड में लेकर आएंगे। एंड यहाँ पर जो इसका ब्लेंडिंग में जाकर इसको यहाँ पर स्क्रीन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ, जिसको कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सिंपली टिक कर देंगे। सो आज कुछ इस टाइप से हमारा जो क्रिएट होगा वो आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर हमारा जो वर्क है वो अभी हाफ कंप्लीट हुआ है। एंड गाइस इसको आप लोग, हमने जो हैंड राइटिंग ड्रॉ की थी उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड इसको थोड़ा आगे लेकर आएंगे। गाइज इतना करने के बाद हमको करना है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर ड्रॉ इन ऑर्डर पर क्लिक कीजिए एंड सिंपली जो इसका टाइमिंग है फुल कर देंगे यहाँ पर एंड सिंपली टिक कर देंगे। एंड हमें एक बार फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन पर जाना है। एंड यहाँ पर गाइज मैंने एक कलरफुल फ़ोटो डाउनलोड की हुई है, मैं वो यहाँ पर यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारी कलरफुल फोटो है एंड इसका साइज़ जो कुछ बड़ा कर देंगे। एंड यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सो आज इतना करने के बाद यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो कुछ इस टाइप से हम लोग आगे कर देंगे। जो अपने बैकग्राउंड की अकॉर्डिंग हमने ली थी उसी टाइप से इसकी भी जो लेंथ है वो कुछ आगे बढ़ा देंगे एंड सिंपली टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पर हमको करने का है, एक बार अपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर हमें जो इसका ओवरऑल एनिमेशन है इसमें यहाँ पर क्लॉकवाइज ओवरऑल एनिमेशन डाल देंगे। सो गाइस हमारा जो इंट्रो है वो यहाँ पर मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस एक बार आप लोग देख सकते हो हमारा जो इंट्रो वो किस टाइप से क्रिएट हुआ है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हो जो हमारा इंट्रो है वो मोस्टली क्रिएट हो चुका है। सो गाइस हमने जो इंट्रो क्रिएट किया है वो आप लोग देख सकते हो। सो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस शर्मा क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपको इस चैनल से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़, यूट्यूब टिप्स एंड लेटेस्ट ऐप रिव्यूज से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। सो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू गाइस।